उत्तराखंड की खबरों के महासंगम वाले इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कावेंद्र चौहान हूं। हरिद्वार से सिलसिला शुरू करेंगे बुलेटिन का। हरिद्वार के खबर है पहली। धर्मनगरी में बीते दिनों आयोजित हुई धर्म संसद में हेट स्पीच मामले में पुलिस कार्रवाई के विरोध में संतों ने आज रविवार को सर्वानंद घाट में प्रतिकार सभा का आयोजन किया, जिससे संतों ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों की वापसी और हेट स्पीच मामले में SIT को रद्द करने की मांग की है। इस दौरान धर्म संसद के संयोजक रहे स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि आगे की रणनीति को लेकर आज कोर कमेटी की बैठक रखी गई है, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। संत स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी व जितेंद्र नारायण त्यागी की रिहाई की मांग को लेकर सत्याग्रह लगातार जारी रहेगा। पुलिस कितनी भी गिरफ्तारियां कर ले, ऐसा उनका कहना है। मैं बार बार कहता रहा कि प्रतिकार सभा हमने किया, निर्भय होकर के किया। संत वही है जो निर्भय है, जो गिरजा होम करने के बाद भी डर जाए वो कायर है, भेड़िया है। मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि हरिद्वार संतों की नगरी है, धर्म की नगरी है, और एक संत को रौंदते हुए पुलिस उठा ले जाती है, हम प्रतिकार भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर भी आज जो सैकड़ों संख्या में लोग आए, लगभग 700-800 लोग हैं, तो ये भी संख्या पर्याप्त है, कोई बुलाई गई नहीं है। मैंने तो 5 लोगों को अपने बुलाया था और आकर के कि भाई कोरोना गाइडलाइन का पालन करना, फिर भी जो भी आए सबको मास्क दिया गया, सैनिटाइजर दिया गया। इस्लामिक जिहाद की चूल्हे खिला दी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, उनके समर्थन में हुई थी, उनके गिरफ्तारी के बाद ये कार्यक्रम हुआ। रही बात पत्रकार सभा की, पत्रकार सभा भी कोई पूर्व नियोजित नहीं था। जब उत्तराखंड के दुष्ट मुख्यमंत्री ने संतों पर FIR करी तो हमने इसका प्रतिकार करने के लिए प्रतिकार सभाएं करी, और हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों ने जब हमारे पास संदेश आया जिलाधिकारी और अन्य लोगों का, और प्रशासन ने हमसे अनुनय विनय करी, तो हमने जितने भी अनुयायी थे सबको यहां आने से मना किया। खबर ऋषिकेश से है, जहां दुर्लभ प्रजाति में शामिल रेड सैंड बोआ सांप की तस्करी करने के आरोप में रायवाला थाना पुलिस ने एक कार से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सांप की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए है। सांप का इस्तेमाल कैंसर व अन्य बीमारियों के इलाज में किया जाता है। पूछताछ में युवकों ने बताया कि सांप की तस्करी बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में की जाती है। सांप का इस्तेमाल सौंदर्य के प्रसाधन बनाने में भी होता है। रायवाला थाना अध्यक्ष भुवन चंद्र पुजारी ने बताया कि आरोपी इस दुर्लभ प्रजाति के सांप को तंत्र क्रियाओं के प्रयोग के लिए पकड़कर करोड़ों रुपए में बेचते हैं। हालांकि उत्तराखंड में इस सांप की सप्लाई किसको देनी थी, इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस युवकों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। आदर्श आचार संहिता पर प्रशासन ने सख्ती से पालन कराने के लिए राजनीतिकों को अमली जामा पहनाना और राजनीतिक दलों पर गाज गिराना शुरू कर दिया है। बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से निपटने के लिए इस बार CVJIL नाम से एक ऐप जारी किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों को प्रशासन की जानकारी में डालकर उस पर त्वरित कार्रवाई कराने में भागीदार निभा सकता है। उक्त ऐप पर काशीपुर से जुड़ी आई कई शिकायतों पर SDM काशीपुर अभय प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचते हुए कार्रवाई की। इस दौरान हमारे संवाददाता से बात करते हुए उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि CVJIL ऐप से मिली शिकायतों पर आज मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई की गई है। प्रकार का आपको लगता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो आप उस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के या तो आप अपनी आइडेंटिटी बता भी सकते हैं या छुपा भी सकते हैं, और हमें जो हमारी टीमें हैं वो उस आदर्श आचार संहिता का जो भी उल्लंघन हो रहा है उसकी हमारी टीम मौके पर जाके निस्तारण करती है। तो ये CVJIL करके एक ऐप है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज किस तरीके टोटल आज सुबह तक हमें लगभग 8 शिकायतें मिली थी जिसका हमने निस्तारण कर लिया है मौके पे पहुंच के, और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड करें CVJIL ऐप को, और जहां भी उनको ऐसा उसमें सारी जो भी प्रकार का उल्लंघन है उसमें सारी कैटेगरियाँ लिखी हैं। लालकुआ में आचार संहिता एवं कोविड नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी के चलते आज कुमाऊं DIG नीलेश आनंद भरणे ने लालकुआ पहुंचकर पुलिस चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। बताने चले कि आचार संहिता को लेकर जिले के सभी सीमाओं पर बने पुलिस चेक पोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर लालकुआ के पुलिस चेक पोस्ट पर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जो हर आने वाले छोटे बड़े वाहनों की जाँच कर रही है।
कोई इस तरह से अगर सूचना मिलती है तो गाड़ियों की आकस्मिक चेकिंग करते रहे ताकि शराब पैसा इस तरह से कहीं अगर वो होती है तो अधिक से अधिक बरामदगी करें। अभी ये सारा टांडा नगला लाल कुआ ये सब एरिया, हाँ ये नई गाड़ियाँ आज से शुरुआत हो गई है जिसमें 112 के अधीन जो है ये गाड़ियाँ चलेगी और जैसे भी कोई जहाँ भी सूचना मिलेगी तत्काल गाड़ियाँ मौके पर पहुँचेगी। आचार संहिता का उल्लंघन पे अभी तो रोक लगी है, इस पर रैली और सब जो है वो धरना और इस पर जो है रैली कराने पे तो कोई शिकायत भी आएगी तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने विधानसभाओं का जायजा लेना प्रारंभ कर दिया है। इसी बीच आज महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट सितारगंज में उपजिलाधिकारी उधम सिंह नगर और SDM सितारगंज ने पीठासीन अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें प्रशिक्षण हेतु चुनाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। उच्चाधिकारी पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण देते हुए नजर आए। चल रही है और ये जो हमें 14 तारीख को मतदान कराना है उसमें जो प्रिसाइडिंग अफसर हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है जिसमें उनको EVM के बारे में, प्रपत्रों के बारे में और क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी है उसके संबंध में विस्तार से जानकारी दो पालियों में, दो बैच में अलग अलग जो लोग आ रहे हैं उनको दी जा रही है। ये हमारा एक अभियान है, स्वीप अभियान बोलते हैं कि जितना ज़्यादा मतदाता जागरूक होगा उतना ही ज़्यादा वोटिंग होगी और उतनी ही लोकतंत्र में भागीदारी होती है। तो लोकतंत्र में भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित कराने के लिए, पोलिंग परसेंट बढ़ाने के लिए ये प्रयास हर जगह कर रहे हैं, सारी तहसीलों में कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के रंसाली रेंज क्षेत्र नानकमत्ता की घटना आपको बता रहे हैं जहां ध्यानपुर जंगल के किनारे घास काटने गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। घायल महिला की मौके पर ही मौत हो गई। महिला ग्राम सभा ध्यानपुर निवासी आरती चंद लगभग 35 वर्ष की थी। शनिवार शाम को गांव के ही कुछ महिलाओं के साथ पास के सरोजा जंगल में घास काटने गई थी। उस दौरान उनके साथ एक महिला का कुत्ता भी साथ जंगल तक पहुंचा था। जंगल में पहुंचने के बाद महिला घास काटने लगी जबकि कुत्ता आसपास ही घूम रहा था। इसी बीच झाड़ियों में छुपे गुलदार ने आरती पर हमला कर उसे घायल कर दिया। साथ गई अन्य महिला यह देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया। तभी गुलदार ने घायल महिला को छोड़ वो वहां से भाग गया। उस उपरांत बताया जा रहा है कि महिला जंगल के किनारे खेत में घास काट रही थी। महिला पर अचानक से बाघ ने हमला किया है और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग एवं पुलिस विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो ये गुलदार ने जो है ये नजदीक के जंगल में इनका ऊपर हमला कर दिया। इनकी भी डेथ हो चुकी है। इनकी इनका जो है अब पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में अभी रखा जाएगा। इनके घर वाले जाएंगे इनके समझ पर ही जो है इनका पोस्टमार्टम। ऋषिकेश शहर में पहुंचने वाले पर्यटक कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं कर रहे। चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी जब नियमों का पालन कराने के लिए पर्यटकों से अपील कर रहे हैं तो पर्यटक साफ तौर पर पुलिस से उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने नियमों का पालन कराना बड़ा चुनौती बना रहा है। तस्वीरों में देखें किस प्रकार पर्यटक बेखौफ होकर सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं मास्क तक पहनने को तैयार नहीं। मजबूरी में पुलिस को पर्यटकों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई करनी पड़ रही है जिसका विरोध भी पर्यटक करते नजर आ रहे हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि पर्यटकों का किसी भी प्रकार का दबाव पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी, नियमों के उल्लंघन पर चालान काटने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं दर्शकों, सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात महिला चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव मिली है, इससे हड़कंप मच गया। क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पूर्व एक निजी विद्यालय के 55 विद्यार्थी संक्रमित मिले थे। क्षेत्र में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस बार संक्रमण की चपेट में नाबालिग बच्चे भी आ रहे हैं। हालांकि संक्रमण में ग्रसित लोगों को किसी गंभीर समस्या की दिक्कत तो नहीं हो रही, इससे कुछ हद तक राहत महसूस की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग संक्रमण को लेकर सतर्क है। प्रशासन भी आमजन से संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक करने में लगा हुआ है। डॉक्टर राजेश आर्य ने बताया कि CHC में तैनात महिला चिकित्सक पॉजिटिव मिली है। इसको लेकर क्या कुछ कहा डॉक्टर राजेश आर्य ने, इसको भी आप सुनिएगा। क्षेत्र में सरकड़ा बॉर्डर है, मोबाइल टीम है और अपने जो हॉस्पिटल है यहाँ भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, सैंपल लेते हैं जिनमें संभावित लक्षण होते हैं। तो उसी क्रम में आज हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की एक महिला चिकित्सा अधिकारी भी
रैपिड एंटीजन में संक्रमित पाई गई है पॉजिटिव। चुनाव से पहले हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल विकासपुर कॉलोनी से पुलिस ने 4,37,00,000 की पुरानी रकम के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये रकम पुरानी है जो पकड़ी गई है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड एसटीएफ टीम को देर रात सूचना मिली थी कि हरिद्वार में पुरानी करेंसी बदलने को लेकर टिप है। टिप मिलते ही एसटीएफ की टीम ने एक जाल बिछाया और 4,37,00,000 रुपए के साथ ये 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद सभी नोट 500 और 1,000 के बताए जा रहे हैं। एसटीएफ के द्वारा पूर्व में प्रचलित नोट पकड़े गए हैं जो लगभग 4,47,00,000 रुपए हैं। इसमें 500 और 1,000 के पुराने नोट हैं और इस मामले में 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें 4 यूपी के हैं, 2 अमरोहा के, 2 मुरादाबाद के, 2 देहरादून के हैं और 1 हरिद्वार का है। क्या क्या कर रहे थे नोट का, क्या करने जा रहे थे? अभी इनसे पूछताछ चल रही है कि नोट कहाँ से लेके आए थे और इनका मोटिव क्या था या क्या करना चाहते थे, और फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही है। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? ये विकासपुर कॉलोनी से के पास से इनकी गिरफ्तारी की गई एसटीएफ के द्वारा। सर चुनाव से जुड़ा हुआ अभी चुनाव क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, इतनी बड़ी रकम है। देखिए इसकी सूचना इनकम टैक्स और अन्य डिपार्टमेंट को भी इसकी सूचना दी जा चुकी है। क्या सर चुनाव में उपयोग होने के लिए क्या ये करेंसी इस तरह की चीज़ें तो नहीं है कि उपयोग करनी रही हो इसमें के लिए? नहीं, इसको चुनाव में तो उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि लगभग 5 साल पहले इस करेंसी को बंद किया जा चुका है और सबको मालूम है कि इस करेंसी का कोई उपयोग नहीं है। उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम ने हरिद्वार के झबरेड़ा विधानसभा के कुछ गांवों का दौरा किया है। 2022 चुनाव को लेकर लोगों की राय जानी है कि किस तरह का माहौल है, किस तरह का विधायक झबरेड़ा की जनता आप देखना चाहती है। इस दौरान लोगों ने बहुत कुछ कहा और क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये आप जरा सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अजीम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आज न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम झबरेड़ा विधानसभा के नगला कुबड़ा गाँव में पहुंची है ये जानने के लिए कि चुनावी माहौल यहाँ पर क्या है। सभी पार्टियाँ अपने प्रचार में जोर शोर से लगी हुई है। नगला कुबड़ा में किस तरह का माहौल है झबरेड़ा विधानसभा को लेकर बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद उस्मान। उस्मान जी, माहौल क्या है इस बार 2022 का? 2022 का माहौल जो हम देख रहे हैं अपने गाँव में नगला कुबड़ा में, लोग बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं मुझे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 2012 में यहाँ से माननीय हरिदास जी विधायक थे तो उनके टाइम में ये लोग बहुत सुकून से अपना जो है ना गांव में किसी तरह के कोई झगड़े फसाद उन्होंने नहीं कराए और उनका कार्यकाल 2012 फसाद नहीं कराए हरिदास जी। 2012 में यहाँ से बसपा से हरिदास जी विधायक बने, आज उनके सपुत्र आदित्य ब्रजवाल को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है। उस्मान जी का कहना है कि कभी कोई झगड़े फसाद नहीं हुए। और युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन जी, किस तरह का माहौल है यहाँ? बीएसपी का है सब पूरा। बीएसपी का क्यों? यहाँ बीजेपी के 2017 में विधायक बने देसाज कर्णवाल जी, और कांग्रेस भी जोर शोर से अपना प्रचार कर रही है। ऐसा है, मेन बात यह है कि उस टाइम पर जो कैंडिडेट खड़ा था वो कुछ सही था नहीं आया था, तो इसलिए अभी का कैंडिडेट बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य ब्रजवाल ही इस सीट पे उम्मीदवार है और इसी सीट पे जीत के जाएंगे। आदित्य ब्रजवाल जीत कर जाएंगे। आप क्या नाम है आपका? रजत कुमार। रजत जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं झबरेड़ा में? माहौल तो यहाँ बीएसपी का ही है, क्योंकि एक तो जो प्रत्याशी है पढ़े लिखे है, बहुत अच्छी सोच बूझ गए है और LLB की हुई है, थोड़ी उन्हें नॉलेज भी अच्छी है उसमें क्षेत्र में। LLB की हुई है, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, कुछ लोगों का कहना ये है। क्या नाम है आपका? उदय सिंह। उदय जी, ये लोग कह रहे हैं कि आदित्य ब्रजवाल के पक्ष में माहौल है, पढ़े लिखे हैं, आपका क्या कहना है? ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अब की बार आदित्य ब्रजवाल जी के पक्ष में माहौल है और वो गरीब आदमियों की हेल्प भी करते हैं, उनके पिताजी ने भी बहुत गरीब आदमियों की हेल्प की है और इस बार BSP से उनको टिकट हुआ है, उनके बेटे को हरिदास जी के, बहुत अच्छा लड़का है, हर छोटे बड़े आदमी का सम्मान करता है। छोटे बड़े आदमियों का सम्मान करते हैं आदित्य ब्रजवाल, युवा हैं, उनके पिताश्री जो हरिदास जी हैं विधायक रहे हैं वो भी लोगों का सम्मान करते थे, इनका कहना ये है। क्या नाम है आपका? अब शब्बीर। शब्बीर जी, किस तरह का माहौल देख रहे हैं विधानसभा झबरेड़ा में?
विधानसभा झबरेड़े में हम बसपा का जीतने का उम्मीद कर रहे, क्यों कि उनके पिताजी ने पहले विधायक रह चुके हैं और अब उनके लड़के हैं जिनके पिताजी ने कानून देख लिए, तो उनके लड़के भी कानून सही कर सकते हैं, कानून सही कर सकते हैं। युवा चेहरे हैं, उनके पिताजी भी यहाँ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अंकुर कुमार। अंकुर जी, क्या कहेंगे आदित्य ब्रजवाल? सबकी का कहना यह है कि युवा चेहरा है, आपका क्या कहना है? आदित्य ब्रजवाल जी जो है फिलहाल युवा हैं और उन्हें नॉलेज है, कानून के नियम भी जानते हैं अच्छा, और पहले से भी उनका रिकॉर्ड अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि दो बार उनके पहले से रिकॉर्ड क्या है उनका? उनके जो पापा हैं वो हरिदास जी दो विधायक रह चुके हैं यहाँ पे, और जनता जानती भी है और उन्हें देख भी रखा है हमने कि कैसे जनता जानती है उन्हें और जाने पहचाने चेहरे हैं। आपका क्या कहना है? मोहम्मद फरहाद जी बहुत अच्छे, हमारा कहना है ये अच्छे और सबके दुख सुख में काम जाते हैं, बस नहीं है। कुछ हमारे साथ लड़कियाँ भी मौजूद हैं, आपका वोट है इस बार? अभी वोट नहीं हुआ किसी, आपका वोट है? पहली बार वोट बनाए हैं? आपका वोट बनाए पहली बार वोट करें जी, कैसा लग महसूस करेंगे पहली बार वोट डाल के? बहुत अच्छा, एक्साइट। कैसा प्रत्याशी देखना चाहते हैं यहाँ? अच्छा, जो जैसे हाँ वैसे ही। अभी कुछ खुलकर नहीं बोल रही, अभी पहली बार इनका वोट बना है। अभी हम नवला कुबड़ा में थे, देखना एक साथी हमारे साथ हो रहे हैं, माहौल है झबरेड़ा विधानसभा में? माहौल तो खराब है, ये कोई ऐसा विधायक बनता ही नहीं जो गरीबों को देखो यहाँ पे आगे क्षेत्र में बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि बसपा देखती है सबको? नहीं, बसपा देखती है वो नहीं, मैं कह रहा हूँ विधायक ऐसा बनाओ जो काम भी करे गरीबों के लिए, बसपा का बने या कांग्रेस का बने ये ना आना चाहिए भाजपा वाला, बस भाजपा से नाराज है? भाजपा कुछ करती है? भाजपा से नाराज है या विधायक से नाराज है? भाजपा ही बेकार है, विधायक तो है ही है जैसा है, वो तो गांव में बढ़ता भी नहीं कहीं आगे, विधायक नहीं घुसते आगे यहाँ पे देश राज करनवाल जी। तो ये थे हमारे साथ नगला कुबड़ा गांव के कुछ लोग, जिनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ बसपा का, इस गांव में बसपा का के प्रति माहौल बना हुआ है। आदित्य ब्रजवाल एक युवा चेहरा है इसलिए उनको लोग पसंद भी कर रहे हैं। आगे दूसरे गाँव में जाकर देखेंगे क्षेत्र में कि क्या माहौल है। अभी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम जो है लाठर देवा शेख गांव में आई है जो झबरेड़ा विधानसभा में पड़ता है। लोग यहां चाय की चुस्की ले रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि माहौल किस तरह का है। क्या नाम है आपका? तौहीन। 2022 चुनाव चल रहा है, किसके पक्ष में माहौल है? कांग्रेस है यहां सर, कांग्रेस ही सर। कांग्रेस के यहां से विधायक है देशराज करनवाल जी, उनका क्या है? कुछ नहीं उन्होंने, कुछ नहीं किया देशराज करनवाल जो विधायक है यहाँ पर बीजेपी के, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे साथ युवा साथी हैं, क्या माहौल किसका है? कांग्रेस का है तो पक्का, एक तरफा कांग्रेस एक तरफा। 5 साल से यहाँ पे बीजेपी के जो विधायक जी हैं देशराज जी, 5 साल में अब आगे उन्होंने 3-4 सड़कों का जो है वो किया है, लेकिन अब 5 साल से यहाँ नहीं है। 5 साल से नहीं, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है? कांग्रेस के पक्ष में पूरा। आपका क्या? पूरा ही कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, ये लोग सभी कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं यहाँ पे। आपका क्या कहना है? कांग्रेस के इसमें ही दिया, कांग्रेस ही जी। एक युवा साथी बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। ये भाई किसके पक्ष में माहौल है यहाँ पे? फिलहाल तो कांग्रेस ही है। बसपा के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि पक्ष बसपा के माहौल में है और यहाँ फाइट जो है बसपा और कांग्रेस की दिखा रहे हैं जी। बसपा तो बस दिखावा कर रही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ चाय की चुस्की पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। एक युवा साथी और है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहबाज। शाहबाज भाई, माहौल किसके पक्ष में है इस बार? कांग्रेस के पक्ष में माहौल है यहाँ। आपका क्या नाम है? सुधीर। सुधीर जी, माहौल झबरेड़ा विधानसभा में किसके पक्ष में है? माता जी भीम आर्मी है। भीम आर्मी कौन है कैंडिडेट? जितेंद्र प्रमुख। जितेंद्र प्रमुख जी पहले शख्स मिले हैं जो भीम आर्मी का भी जिक्र किया है उन्होंने। एक युवा साथी और मौजूद है, क्या नाम है? नदीम अहमद। नदीम भाई, माहौल किसके पक्ष में इस बार? माहौल तो देखो यहाँ से 21 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, पर उत्तराखंड का शोषण ही हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। विधानसभा झबरेड़ा का हाल देख लो, तमाम विधानसभा में गड्ढे गड्ढे हो, ना तो किसी ने विकास किया और ना कोई करेगा, हमें पूरा भरोसा है इस चीज़ का। तो किस पे विश्वास जताएगी इस बार? अब की बार तो झाड़ू चलेगी और जो कीचड़ है ना जहाँ कमल खिलता है। आम आदमी पार्टी
और झाड़ू चलेगी। इनका कहना है कि झाड़ू इस बार विधानसभा झबरेड़ा में झाड़ू चलेगी, कीचड़ साफ करेंगे, कमल को खिलने नहीं देंगे। और कांग्रेस ने जो है ना, कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमान को यूज किया, मुसलमान का कोई भला नहीं किया आज तक। कांग्रेस ने कोई मुसलमान का भला नहीं किया, इस बार झबरेड़ा में झाड़ू चलेगी और कमल को कीचड़ में खिलने नहीं देंगे, इन लोगों का ये कहना है। आगे और कहीं चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं कि सर्दी कितनी है लेकिन राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम झबरेड़ा विधानसभा में घूम रही है और माहौल जानने की कोशिश कर रही है कि किसके पक्ष में माहौल है। कुछ युवा साथी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, क्या नाम है आपका? अनुज। अनुज जी, चुनाव का आगाज हो चुका है, किस तरह का माहौल है झबरेड़ा विधानसभा में? भीम आर्मी का। भीम आर्मी कौन है इसके प्रत्याशी? जितेंद्र भाई। जितेंद्र भाई के पक्ष में माहौल है जी। और युवा साथी मौजूद है, क्या नाम है आपका? फिरोज भाई। फिरोज भाई, किसके पक्ष में है माहौल यहाँ? आप कुछ कहना नहीं चाहते, क्या कहेंगे आप? एएसपी का माहौल है, आजाद समाज पार्टी। आपके यहाँ से 2017 में बीजेपी के विधायक बने, उनके बारे में क्या है? आप क्या कहेंगे, क्या माहौल है? एएसपी तो यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं। लगभग विधानसभा का हमने दौरा किया, 3-4 गांव का दौरा किया, वहाँ पर माहौल जो है कोई एएसपी कह रहा है कोई बीएसपी, लेकिन बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं आदित्य ब्रेजवाल, उनके पक्ष में ज़्यादा लोग मिले हमें देखने के लिए। अभी माहौल बीएसपी के पक्ष में है, आने वाले कुछ दिनों बाद क्लियर पता चलेगा कि झबरेड़ा की जनता किसे स्वीकार करती है और किसको अपना विधायक बनाकर विधानसभा भेजती है। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वन इंडिया, हरिद्वार। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।